नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक धमाकेदार इन्वेस्टमेंट स्कीम आ गई है, जिसके अंदर आप अगर पैसा लगाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा मतलब FD या फिक्स डिपोजिट आप करते हो तो एटलीस्ट उससे 2 से 3 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। सेफ है स्कीम और काफ़ी अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, इसलिए हम आराम से इसके अंदर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और इस स्कीम में हम देखने वाले हैं कैसे आप 1 लाख रुपये लगाओगे तो कैसे उसका सीधा 90 लाख रुपया तक बन जाएगा, वो भी एकदम ईजिली। तो आगे देखते हैं क्या कुछ खास है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारों और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, ये स्कीम का नाम है बड़ौदा BNB परिभाष लार्ज कैप फंड, यानी कि ये एक म्यूचुअल फंड है। आ दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या? म्यूचुअल फंड यानी ये पैसा शेयर बाजार में जाता है, इसलिए रिस्क है। दोस्तों रिस्क है तो इश्क है। शेयर बाजार में पैसा जाता है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा डालिए, ज़्यादा मत डालिए, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से डालिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न मिला हुआ है, इसलिए बात कर रहे तो इसका 1 साल का रिटर्न इसने निकाल के दिया है 32.20%, यानी कि लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न है 32%। अभी साथियों आगे बढ़े तो 3 साल का इसने 3 साल में रिटर्न निकाल के दिया है 19.90, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। FD से 3 गुना रिटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। अभी साथियों बात करें तो 5 साल का, 5 साल का रिटर्न यहाँ पे इसने दिया है 20%, 20% 5 साल का एवरेज रिटर्न है इसका। और आगे बात करें तो ऑल टाइम मतलब ये फंड आया तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 16.16%। अभी दोस्तों आगे बात करें तो इसका मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको SIP करना है तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है 500 रुपये मिनिमम, और लमसम यानी कि एक साथ पैसा डाल के भूल जाने का वो करना है तो 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.92, यानी कि फंड मैनेज करने का चार्ज लेता है 90 पैसा, इसलिए काफ़ी अच्छा और किफ़ायती है। अभी बात करते हैं एग्जिट लोड, मतलब आपको बीच में से निकल जाना है, भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा दे दो, एग्जिट करना है तो 1% पेनल्टी है विद इन 30 डे, उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं है। अभी आगे बात करें तो इसकी फंड साइज, इसकी फंड साइज है 1690 करोड़, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया फंड है। अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं, कितना पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा बनेगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आप 1 लाख रुपये लगाओगे तो कितना पैसा बनेगा। अगर 1,10,000 के लिए लगाते हो तो वो बन जाएगा 10 साल बाद 4,47,000 रुपया, यानी कि चार गुना रुपया 10 साल में। लो उसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपये अगर आप 15 साल के लिए लगाओगे दोस्तों तो वो बन जाएगा 9,46,000, यानी कि 9.5 लाख रुपया। अभी आगे बात करें तो 1 लाख रुपया आप 20 साल तक लगाओगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 20 लाख रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी आगे बात करें तो 1 लाख रुपया अगर 25 साल लगाते हो तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 42,31,000 रुपया, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 42 लाख रुपया आपको मिल जाएगा 25 साल बाद। यही स्कीम आप 30 साल तक चालू रखोगे, यानी कि आपकी आज उम्र है 25 साल और 30 साल यानी कि 55 साल तक चालू रखोगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 89,47,000, यानी कि अप्रोक्स 90 लाख रुपया, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। आज ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा विजिट कीजिए और ये म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न है, काफ़ी अच्छा फंड है। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।